एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था, मैंने अपनी जो प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट है वो किया था, दैट आई एम प्रेगनेंट, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। मैं इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी एज की बहुत सारी फीमेल्स फॉलोअर्स हैं मेरे आसपास की एज की मतलब, एंड बहुत सारे लोग ये ट्रॉमा से गुजरते होंगे, टॉर्चर से गुजरते होंगे, या उनको भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते होंगे जो क्वेश्चंस मुझे आए हैं, और मुझे क्या चीज़ हेल्प करी है, आई होप कि वो आपको भी हेल्प करे। तो उसलिए ये मैं जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली लोग बहुत जल्दी डिस्क्लोज कर देते हैं सोशल मीडिया पर, से मेजर रीज़न मेरा डिस्क्लोज नहीं करने का एक्चुअली टोक पसंद नहीं है। क्या होता है सोशल मीडिया है, लोग अपने अपने 10 तरीके के ओपिनियंस देते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैंने अपनी जर्नी अपने तरीके से करना चाहती थी, मतलब मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ दो बड़े लोग मेरे पास हैं ऑलरेडी जो मुझे अच्छे से गाइड करेंगे, तो मुझे किसी और का गाइडेंस नहीं चाहिए। और साथ ही साथ मेरे गायनेक हैं, डॉक्टर हैं। दिस इज अ मेजर रीजन कि मैंने सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं किया, दिमाग को ठंडा रखने के लिए, ये कियोस अवॉइड करने के चक्कर में मैंने ये प्रेगनेंसी जर्नी अपनी हाइड करी है। दूसरा एक रीजन ये भी था कि अगर मैं प्रेगनेंसी अपना बता देती स्टार्टिंग में ही, तो फिर ऑब्वियसली जो मेरे वीडियोस कंटेंट होता वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी रिलेटेड ही हो जाता। आप सोचो एक मंथ में आप कितने सारे वीडियोस बनाते हो, तो उस पूरे मंथ में सिर्फ मेरी पूरी जर्नी प्रेगनेंसी में, ये प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी, ढिमका प्रेगनेंसी, फलाना नहीं, मुझे प्रेगनेंसी 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 वो बनाना। डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव वीडियो 10 से 12 प्रेगनेंसी लाइंड अप है मेरे लिए, जो मुझे ऐसा लगता है ये शेयर करना जरूरी है। बट एकदम छोटी छोटी चीजें, अब मैं बच्चे के लिए ये कर रही हूँ, अब मैं ये खा रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, ऐसा मुझे शेयर नहीं करना था, ये मेरा पर्सनल टेक था। दूसरी चीज़ मैं ये भी चाहती थी कि कुछ चीज़ें ना पर्सनल अच्छी लगती है, मैं एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मैं अपने तक रखना चाहती थी। जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। नाउ कमिंग टू माय जर्नी, सो मेरी जो शादी है वो 2016 नवंबर में हुई है। मेरा सर्कल फ्रेंड का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आई एम वेरी सोशल, यू कैन से दैट, सो आई हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी। तो मेरा जो आधा सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स है उनकी शादी हो चुकी थी, तब तक होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब 16-17 में काफ़ी सारे मेरे एज ग्रुप की लड़कियों की शादी हुई थी, एंड देयर वाज वन एज ग्रुप जिसने अब शादी करना स्टार्ट करी। नाउ आफ्टर 30 दे गॉट मैरिड भी, इनफैक्ट अभी जब मैं प्रेगनेंट हूँ, टू ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मैरिड, दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड। सो डिपेंड है ना, ये सबका अपना अपना थिंकिंग है, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। आपको जब ठीक लगता है तब आपको शादी करना चाहिए, इसमें एज वेज सब गया तेल लेने के लिए। बेबी बेबी का ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ऐसा कुछ प्लान तो होता नहीं है, एंड विक्की और हम दोनों के बीच में इफ यू टॉक अबाउट प्रेगनेंसी और बेबी और इन सबसे रिलेटेड, तो आई वॉज द वन हु वॉज डिलेइंग द होल प्रोसेस। मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा डर लगता था प्रेगनेंसी के नाम से ही, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था वो जो प्रोसीजर होगा, जो हॉस्पिटल वाली चक्कर होंगे, बार बार हॉस्पिटल्स जाना, इंजेक्शंस लगना, डॉक्टर्स के चेकअप कराना, दवाइयाँ खाना, इन सब से मैं मतलब बहुत ज़्यादा डरती हूँ। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज फर्स्ट ईयर, मुझे क्या होना स्टार्ट हुआ था, ये जो आप यहाँ पर एक मार्क देख रहे हैं, मुझे इधर पे बहुत ऐसा ग्लैंड्स होना स्टार्ट हो गए थे। नॉर्मल एलोपैथी डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे डिटेक्ट करके बताया कि आपको मम्स हो गए हैं। दो महीने मेरी मम्स की दवाई चली, बट स्टिल वो जो ग्लैंड्स है वो बढ़ते जा रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। दूसरे डॉक्टर के पास हम गए, उन्होंने कुछ और बताया, फिर हम तीसरे डॉक्टर के पास गए, मेरे सारे चेकअप हुए, तो मेरे काफी सारे मेजर डिजीजेस के टेस्ट हुए। तो ऐसे करते करते मेरा जब डिटेक्ट हो गया, मुझे एक्चुअली यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था और कुछ थैंकफुल नहीं निकला था। पता चल गया था कि इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट मेरा काफी लंबा चला था, 6-7 months मेरा चला था। आई थिंक मैं सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर जा रही थी, मेरा कॉलेज भी मुझे थोड़े काफ़ी दिन मुझे ब्रेक लेना पड़ गया था बीच में, उसके बाद हॉस्पिटल्स जाना, आए दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, बिकॉज यहाँ से ना इंजेक्शंस के थ्रू मेरे नीडल लगा करके वो जो पल्प है, आप सोचो कितनी सॉफ्ट जगह होती है, यहाँ पर इंजेक्शंस लगना और वहाँ से सारी चीज़ें निकलना, वो बहुत ज़्यादा वैसी प्रोसेस थी। तो मैं उस प्रोसेस के बाद इतनी ज़्यादा घबरा गई थी हॉस्पिटल, दवाइयाँ और इन सब चीज़ों से, कि मैं बहुत भागती थी, मुझे ऐसा लगता था भाई मैं ठीक रहूं वो ही ज्यादा बेटर है, मतलब मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटना, तो वो एक डर बैठ जाता है ना। जब कभी हमने विक्की और हम लोगों ने डिस्कस करा भी कि बच्चा वगैरह, तो विक्की का भी ऐसा था कि फर्स्ट वी बाय होम एंड देन वील हैव अ बेबी। तो हमारा 5 years का प्लान था, 5 साल में या तो घर, तो अगर घर नहीं आ पाता है किसी एक्स वाई जेड रीजन से, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती है, समटाइम्स लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, तो अगर घर आ जाता है वेल एंड गुड है, अगर घर नहीं आता है देन वील गो फॉर बेबी। एंड विक्की का ऐसा था कि अगर मैं शायद उसको थोड़ा सा भी पुश करती ना, तो वो पहले भी रेडी हो जाता, बिकॉज ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ किड्स एंड
ही हैज़ नॉट दैट बाउंड्री सेट. जैसे मैंने बाउंड्री सेट कर रखी थी वैसे उसके दिमाग में कोई बाउंड्री सेट नहीं थी, तो अगर मैं उसको पहले भी पुश करती तो हो जाता आराम से, ऐसे कुछ वो दिखती, बट मेरे को नहीं करना था. अब यहाँ पर डेस्टिनी बोल लो या जो भी बोल लो, ऊपर वाला कहते हैं ना आपकी प्लानिंग से बेटर ऊपर वाले की प्लानिंग होती है. 2020 में कोविड आया, 2021 में मेरा 30 का एज भी आ गया था. 2021 में ही हम लोगों ने हमारा जो घर है वो जून में बुक कर दिया था, एंड 2021 में ही हमको पता चल चुका था कि टीनू की शादी भी फिक्स हो चुकी है जो कि नवंबर में होने वाली है. तो काफ़ी सारे इवेंट्स हमारे होने वाले थे. तो ऑब्वियसली क्या हुआ, जब हम लोगों ने घर बुक कर दिया था एंड हम लोग भोपाल मूव हो गए थे, आपने आपको मेरे ब्लॉग से पता ही होगा ये सारी चीज़ें. तो जब हम भोपाल मूव हो गए थे तब विक्की का थोड़ा सा एक ऐसा आ गया था कि नाउ वी बॉट अवर होम, नाउ लेट्स प्लान फॉर बेबी, वी शुड नॉट डिले इट, क्योंकि मेरा बड़ा है. तो वो अपना भी सारा कैलकुलेट करके सोच रहा था. तो मैंने बोला यार चलो थोड़े इतने टाइम रुक गए हैं तो अपन टीनू की शादी तक और रुक जाते हैं, बिकॉज तब तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए था. मुझे ये था कि भाई मैं खुल के एज अ सिस्टर उसकी शादी में इंजॉय कर सकूँ, जो कि मैंने किया भी. टीनू की शादी हुई नवंबर में, 28 नवंबर उसकी शादी थी, एंड आई थिंक नवंबर में ही विक्की को उसके ऑफिस से ये पता चल चुका था कि उसके ऑफिस में बुलाया जा रहा है जनवरी फरवरी. हम लोगों ने ये सोचा कि यार थोड़ा और जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं. बाद जब टीनू की शादी भी हो गई और हम दोनों का ऐसा होता है कि एज अ कपल हम लोग डिस्कस बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हम लोगों ने विक्की ने मुझे फिर अगेन वही चीज़ बोला कि अब सब हो गया है, घर आ गया है, टीनू की शादी हो गई है, लेट्स प्लान फॉर अ बेबी, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, अब और डिले नहीं करना चाहिए. तब भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अंदर ये चल रहा था, क्योंकि फरवरी में हमको मूव करना था वापस से, फरवरी मार्च में. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर मैं अभी बच्चे के उसमें फंस गई ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी घर का जो भी इंटीरियर वगैरह होता है, जो भागा दौड़ी होती है, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने उसको हल्का सा हिंट तो दे दिया था कि यार एक बार घर का काम और करवा लेते हैं. ये चीज़ विक्की को बहुत अच्छे से पता है कि मैं जब तक यहाँ से मेंटली रेडी नहीं होंगी, मतलब चीज़ें फोर्स करने का कोई मतलब है नहीं. ड्रॉप द प्लान. मई में हम मूव हो गए घर में, हमारे गृह प्रवेश हो गया, पूरे घर वाले आए, हमने बहुत अच्छे से गृह प्रवेश किया. थोड़ा चीज़ें ठीक हो गई, जून तक काफ़ी कुछ सॉर्ट हो गया था, घर एक बेसिक जम गया था. हम लोग कुछ सोचते उससे पहले ही मुझे मेरे पापा के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था. ऑब्वियसली मैं सब छोड़ के एक पैर पे अपने घर पहुंच गई थी वापस से. अब आप यहाँ पे प्लान सोचिए, अगर मेरा बेबी होता तो शायद जिस तरीके से मैं करती, तब भी अपना 100% ही देती, मैं उसको लेके जाती, जो भी करती पर करती. लेकिन क्या मैं इतने इजीली मैनेज कर पाती जितने इजीली मैं विदाउट बेबी कर पाई हूँ? नहीं कर पाती. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, आपके प्लान से ज़्यादा अच्छा प्लान ऊपर वाले का होता है, और जिसको जब टाइम पे आना होता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऊपर वाला उस हिसाब से आपको चीज़ें देता है जो सही टाइम होता है. स्ट्रेसफुल माहौल था और हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे थे, मतलब हम ट्रैवल ही कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से. बहुत सारे लोगों को लगता है आपकी लाइफ बहुत ईजी है, सब कुछ है आपके पास, ये अलग बात है. आई नेवर क्रिब अबाउट माई लाइफ, हमेशा आपको मेरे फेस पे स्माइल दिखेगी. थोड़ा सा मेरा रोल प्ले करके देखे तब आपको पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ फेजेस आई हैव गॉन थ्रू एज वेल. तो ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में ब्रेड एंड बटर नहीं होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, ऑब्स्टेकल्स होते हैं. इट्स यू, हाउ यू आर डीलिंग एंड टैकलिंग द सिचुएशंस. उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे पापा की चीज़ें थोड़ी बेटर स्टेबल होना चालू हुई, अगेन मुझसे डिस्कस किया कि अब हम अगर और डिले करेंगे तो चीज़ें डिले होती जाएंगी. लाइफ है, लाइफ में सब चीज़ होता है, उसकी वजह से हमको हमारी चीज़ें नहीं रोकना है. लिटिल बिट थिंग्स गॉट बेटर, तब हम लोगों ने प्लान करा, एंड जब हमने प्लान किया तब क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. अब इसके अलावा मेरी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी. अगर आपने मेरा 2020 में, मैंने अपना एक PCOS यहाँ पे डाल दूंगी, मैं PCOS से रिलेटेड वीडियो डाला था, तो मेरी हिस्ट्री रही है PCOS की, PCOD और PCOS. अगर नहीं पता है तो उनको बता देती हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम पे. वो वाला जो PCOS वाला मेरा पूरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं डिटेल में, मैं लिंक डाल दूंगी उसका. 2012 या 2013 में मेरा फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था PCOS, और मुझे डॉक्टर ने इतना ज़्यादा डरा दिया था. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वो है या डिटेक्ट हुआ है और आपके डॉक्टर भी आपको बहुत डराते हैं, इट्स अ साइन टू चेंज योर डॉक्टर. लिटरली अगर ये इसको ये बोलते हैं कि एक डिजीज़ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये क्योरेबल नहीं है, डेफिनेटली चेंज योर डॉक्टर. या वो आपको सर्जरी भी अगर सजेस्ट कर रहे हैं, चेंज योर डॉक्टर. इट्स अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, नथिंग मेजर. आप क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स पैसे कमाने के चक्कर में आजकल क्या कर देते हैं, लेप्रोस्कोपी कर देते हैं. जहाँ लाइफ स्टाइल आपका ऊपर नीचे हो गया, ये वापस से कम बैक कर जाएगी. तो आपका लेप्रोस्कोपी, जो आपने जो इतना पैसा लगाया लेप्रोस्कोपी करवाने में, हो सकता है विद इन अ ईयर
जस्ट नेक्स्ट ईयर आपको वापस से पीसीओएस हो जाए, तो क्या आप हर साल लेप्रोस्कोपी करवाओगे? सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. तो आयुर्वेद और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. आयुर्वेद में तो इतना तगड़ा ट्रीटमेंट है कि आप जब पीसीओएस का ट्रीटमेंट लेते हो तो विद इन 1 to 2.5 मंथ और 3 मंथ में ऐसा होता है कि आपके जो पीरियड्स आते हैं उसमें बकायदा क्लॉट्स आना स्टार्ट होते हैं, और वो क्लॉट्स जो होते हैं सिस्ट को ब्रेक करके निकलना स्टार्ट होता है. मतलब सारा आपका जो भी अंदर का सिस्ट होता है वो ब्रेक हो करके आपके पीरियड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है. इतने इजीली ट्रीटमेंट हो जाता है, बट हाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है. पीसीओएस मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरे रास्ते पे आया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी. वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो गई है. अब क्या होता है, जैसे कि मैंने काफी लंबे टाइम बाद प्रेगनेंसी प्लान करी है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं कि आप प्रेगनेंसी को लेकर के कभी प्रेशर लेते हो या ये लेते हो. तो मेरे स्टार्टिंग जर्नी से, मतलब जब मेरी शादी को 2.5 और 2 ईयर्स हो गए थे, शुरू से मेरे फ्रेंड्स लोग जैसे जिन लोगों ने बच्चा प्लान कर लिया था, तो दे यूज टू टेल मी कि अब मत लेट कर, हो गया 2.5-3 साल हो गया. तो मैं उनको ये आंसर करती थी, यार मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी लोड नहीं है. ना ही मैं लोड लेती थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में क्लियर था कि मैं जब चाहूंगी तब प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, और जब जिस चीज़ को आना होगा वो तब सही टाइम पे वो चीज़ मुझे मिल जाएगी. आई नेवर टुक स्ट्रेस. कि विक्की थोड़ा एक आध बार ऐसा हो जाता था कि यार अपन लेट हो रहे हैं, बट मैं उसमें भी कभी मैंने प्रेशर नहीं दिया कि ठीक है जब होना होगा तब सब जबरदस्त तरीके से हो जाएगा. सो आई प्लान्ड, और डेफिनेटली अगर आप सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से देखो तो वी प्लान थोड़ा सा लेट, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ लेट है. सब चीज़ अपने सही टाइम पे हो रही है, और सब चीज़ बढ़िया हो रही है, सब ऊपर वाले के हिसाब से हो रही है, सब प्लान्ड हो रही है. थोड़ा सा जर्नी था मेरा. सो यस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.